मैन पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के घिरौर में गोल चक्कर पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 मार्च 2022 में अब की बार फिर से बीजेपी सरकार बनना तय है और मैनपुरी की जनता बीजेपी की चारों प्रत्याशी को जिताकर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। मैनपुरी से ही नहीं पूरे प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना अब तय हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबका साथ अपना विकास करना जानती है। उनकी सरकार में बलात्कार, डकैती, अपहरण जैसी घटनाएं आए दिन होती है, लेकिन पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार 5 साल से चल रही है। कानून व्यवस्था कड़ी होने के चलते अपराधों में कमी आई है, महिलाएं सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी तथा 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ टैबलेट्स का इंतजाम किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन क्लास की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर, वहीं कोरोना काल में वैक्सीन के अलावा सभी को 1 माह में 2 बार राशन वितरण कर प्रदेश सरकार ने जिंदा रखने का काम किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार फिर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि 2 चरणों में हुए मतदान में समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। करहल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल को जिताने का काम करेंगे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब कोई संदेह रह गया है क्या? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कराती क्या? क्या ये काम कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी कराती? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, न जाने कितनी पीढ़ी चली गई, उनके मन में एक ही टीस रहा करती थी, काश अपने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हम भी देख पाते, काश हमारे प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है, आज अयोध्या में कोरोना भी प्रधानमंत्री जी का मार्ग नहीं रोक पाया, राम मंदिर के मार्ग को नहीं रोक पाया। जिसने पूरी दुनिया के मार्ग को रोका है, वह कोरोना भी राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को नहीं रोक पाया। 5 अगस्त 2020 किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहाँ के लाखों किसान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी संवेदना किसानों के प्रति थी, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी। हर बेटी सुरक्षित रहेगी, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने उस समय किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई डार्क जोन से मुक्त करते हुए, हम लोगों ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अभी तो हम लोग भाइयों बहनों पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना आगे बढ़ेगी, मेनपुरी के हर घर में शुद्ध पेयजल, घर 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 नल की योजना पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं।